السلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان دی زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں دے. انسان دی زندگی دراصل خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ، ان چیزاں دا نام ہے. آج اگر بیماری ہے تو کل اللہ شفا عطا کرن تے قادر نے، آج اگر غریبی ہے تو کل اللہ حالات بدلن تے قادر نے، آج اگر دکھ نے کل اللہ اینا دکھا نو سکھا اندر تبدیل کرن تے قادر نے، یعنی او دی رحمت تو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہی دا. مختلف چیزاں دا نام زندگی ہے. انسان زندگی دے ہر قدم تے آزمائشاں، مصیبتاں، دکھاں،
और परेशानियां जो बाज औकात गुजरदा अल्लाह जुल जलाल वली कराम कुरान पाक दे अंदर अपने महबूब अलैहि सलाम दी जबान पाक दे जरिए सानू इस बात तो आगाह फरमाया कि हालात तो परेशान नहीं होना और इस नतीजे ते मोमिन पहुँचद कि मोमिन इतना खुशबख्त और खुश नसीब है कि यकीनन दो हालत ने और उन्हां दोनों हालतों के अंदर मोमिन फायदे के अंदर है। परेशानी आए मुसीबत आए अल्लाह की रजा वास्ते सबर करदा और अगर कोई सुख आए तो अपने मालिक का शुक्रिया अदा करदा। अल्लाह जुल जलाल का वादा है कि अगर मेरी रजा ते राजी हो जाओ तो मैं रब्बुल आलमीन ये वादा करना ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम। मोमिन बंदे वास्ते अल्लाह जुल जलाल दी तरफों अगर इम्तिहान आ जांदा और जिंदगी नाम ही इम्तिहाना दा जिंदगी नाम ही आजमाइशां दा अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मोमिन एडा खुश नसीब है। अल्लाह जुल जलाल जे कोई नेमत अता फरमांदे ने उस नेमत दे बदले अपने मालिक दा शुक्रिया अदा करदा और अगर अपने मालिक दा शुक्रिया अदा करे रहमान दा वादा ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम अगर मेरा शुक्रिया अदा करेगा मैं अपनी रहमत दे इहदे लई दरवाजे खोल छड़ांगा। ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम मैं और ज्यादा इहदे ते रहमतां दा बरकतां दा मीं पा छड़ांगा। और अगर मोमिन नूं कोई तकलीफ आउंदी है ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी रजा दी खातर सबर करदा। अल्लाह जुल जलाल दा वादा मेरे कोल सबर दे बदले सिवाए जन्नत दे और शै कोई नहीं। यानी किसे हाल अंदर भी मोमिन मुनाफे तो पीछे नहीं रहिंदा। अल्लाह जुल जलाल वली कराम मोमिन ते अपनियां रहमतां दा नुजूल फरमांदे ने। हुण बाद औकात एक बात समझण वाली है, बाद औकात ऐसा हुंदा कि परेशानी आजमाइश हर बंदे नूं आउंदी है, मोमिन ता काफर ते अल्लाह दा फरमा बरदार ते तां उहदा ना फरमान ते तां हर बंदा आजमैशां परेशानियां मुसीबतां चों गुजरदा है। हुण सवाल यह पैदा हुंदा है कि किवें पता लगेगा कि इहनूं तकलीफ आई है ते इह बंदा मोमिन है। उहो ही तकलीफ एक बंदे अल्लाह दे ना फरमान नूं भी आई है, किवें पता लगेगा? यह अल्लाह जुल जलाल दी तरफों इम्तिहान है या रब्बुल आलम अमीन दी तरफो सजाए, किवें पता चलेगा? बड़ी एक सादा जी बात है कि आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे फरामीने गिरामी नूं सामने रखिए, देखिए फैसला करिए कि जिस बंदे नूं तकलीफ आई है जिस बंदे नूं आजमाइश आई है वह बंदा मोमिन है या अल्लाह का ना फरमान है। हुण जिस बंदे नूं मुसीबत ते आजमाइश आई है वह बंदा सही मानिया दे अंदर अल्लाह जुल जलाल दा मुकर्रब समझिया जाए या उहदा ना फरमान ते उहनू अजाब दी कोई चीज तसव्वर कीता जाए। बड़ा सादा जा इहदा अंदाज़ है, अगर तकलीफ आउण दे बाद
मुसीबत आउन दे बाद आजमाइश आउन दे बाद बंदा अपने रब नाल और ज्यादा जुड़ जांदा और ज्यादा अल्लाह दा मुकर्रब बन जांदा और ज्यादा इबादत दे अंदर मगन हो जांदा और ज्यादा अल्लाह जुल जलाल दा जिक्र अज़कार करन लग पैंदा। जे ते तकलीफ आजमाइश आउन दे बाद बंदा अपने रब नाल जुड़ जाए ते समझ लो अल्लाह दी तरफों आजमाइश ते जे आजमाइश आउन दे बाद बंदा अल्लाह दियां ना फरमानियां ते कमर बस्ता हो जाए। लो जनाब ये साडे वास्ते ही मुसीबतां पईयां ने ये साडे वास्ते ही सारे दुख पए ने। जे ते आजमाइश तकलीफ आउन दे बाद और ज्यादा अल्लाह दियां ना फरमानियां ते कमर बस्ता हो जांदा ते समझ लो ए बद नसीब ओवे जिनू अल्लाह ने दुनिया ते अजाब अंदर दुनिया दे अंदर ही तकलीफां च मुबतला कर दिता। यानी बड़ी सादा पहचान इम्तिहान दे बाद अगर अल्लाह दा मुकर्रब होया ते समझ ले आजमाइश और इम्तिहान दे बाद अगर अल्लाह दियां नाफरमानियां ते कमर बस्ता होया ते समझ ले अल्लाह जुल जलाल दी तरफों अजाब। हुन कुरान पाक दे अल्फाज ते गौर फरमाना। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वनक्ज़िम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समराति वबशिरि सबरी الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने असीं अपने प्यारियां दा इम्तिहान करांगे असीं अपने प्यारियां दियां आजमाइशां। ओ जिंदगी है ही आजमाइशां दा नाम है। फरमाया असीं किवें आजमाने आ मिनल खौफ कदी इन्हां नूं डरा के आजमाने आ वल जूए कदी इन्हां नूं भुखियां रख के आजमाने आ वनक सिमिनल अमवाल वल अनफोसे वसमरात कदी माला विच कमी करके आजमाने कदी इन्हां नूं ज्यादा माल ते मुनाफा दे के आजमाने। परवाने कुरान दियो हुण जरा अंदाजा फरमाओ ना सहाबा दियां जिंदगियां ते नजर दौड़ाइए। अल्लाह दी कसम एक एक पेपर चो एक एक इम्तिहान चो अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर दे परवाने 100% तो वध नंबर लैके कामयाबियां ते कामरान कामरानियां दियां मंजिलां तय कीतियां। मिनल खौफ कदी दुश्मन दा रोब पा के अल्लाह फरमांदे ने असी आजमाने आ। ते हुण नबी पाक दे सहाबा दियां जिंदगियां ते नजर दौड़ाइए। एक वक्त ऐसा भी आया कायनात दे इमाम अलैहि सलाम अपने सहाबा समेत निकलन लगे ने एक पासे 1000 दी तादाद दुश्मना ने इस्लाम दे उन्हां कोल असलहा भी है उन्हां कोल तीर भी ने उन्हां कोल तलवारां भी ने उन्हां कोल समान हर्ब ज़रब भी है उन्हां कोल सवारियां ते घोड़े भी ने और मुकाबला किन्ना ना करन लगे ने। मुकाबले दे अंदर 313 मेरे आका अली सलाम दे गुलाम ने जिन्ना दे कोल तलवार किसे कोल ते तीर कोई नहीं जे तीर ते चलान वास्ते कमान कोई नहीं
जे ढाले ते ओना कोल जीरा कोई नहीं, जीरा ते ओना कोल नेजा कोई नहीं। हुण तुसी अंदाजा फरमाओ हां, 1000 दा ते 313 दा मुकाबला फबदा ही नहीं बजाहिर साडी नजर दे अंदर। ते दुश्मना ने इस्लाम ने मुनाफिकीन ने ओना आखिया नबी दे गुलामां नूं, ओए जान बुझ के मौत नूं सिर देण डए हो ते जान बुझ के मौत वल टुरन डए हो, वेखो ते सही मुकाबला फबदा ही नहीं। हुण सवाल ए वे क्या पैगंबर अली सलाम दे सहाबा ने हथियार सुट दिते ने, क्या नबी पाक दे गुलामा ने नबी पाक तो जुदाई इख्तियार कर लई है माज अल्लाह, क्या मुस्तफा अली सलाम दे सहाबा ने दुश्मन दे रोब ते खौफ दी वजह तो अपने घर च बह गए ने? नहीं नहीं नहीं, नबी अली सलाम दे सहाबा ने दुश्मन ने इस्लाम दियां गल्लां सुनिया ते जवाब की दिता? फरमांदे ने हसबुनल्लाह उन्ना कोल माले ते साडे नाल रब्बे जुल जलाले। फिर केड़ी गल है, दौलतां पैसा जंगी समान हरबो जरब इतने आन जान वाली शैब है, यानी पैगंबर अली सलाम दे सहाबा वक्ती तौर ते खौफ तारी होया, ओदे विच घबराए नहीं बल्कि अल्लाह जुल जलाल दा पाक पैगंबर अली सलाम दा वादा ते जबाने नबूवत जिन्ना इम्तिहान कड़ा होएगा ओना बंदा अल्लाह दे करीब हुंदा जाएगा। सहाबा ने पूछा ना सोने हो, सब तो ज्यादा दुनिया के अंदर किदी आजमाइश होंदी है, किन्ना दा इम्तिहान होंदा है? हुण अंबिया दी जमात नालों वध के इज्जत दे लिहाज नाल, अजमत दे लिहाज नाल, शान दे लिहाज नाल, रिफत मकामो मरतबे दे लिहाज नाल सारी कायनात मिल जाए, एक नबी दी अजमत दा मुकाबला कर सकदे नहीं। और सारे अंबिया मिलके आमिना दे लाल अली सलाम दी इज्जतो अजमतो रिफातो शान दा मुकाबला नहीं कर सकदे। आमिना दे लाल अली सलाम कोलों सवाल कीता गया, सोने हो किदा इम्तिहान किदी आजमाइश सब तो ज्यादा हुंदी है? ते नबी अली सलाम ने यह नहीं फरमाया माड़े माड़े गरीब गरीब कमजोर कमजोर मुसलमाना दी, या जिदा इम्तिहान जिदा ईमान जिन्ना कमजोर होए ओना ओदा इम्तिहान बहुता होएगा? नहीं। सोनियो किदी आजमैश बहुती हुंदी है? फरमाया सब तो वड्डी आजमैश नबियां दी हुंदी है, सब तो बड़ा इम्तिहान ते आजमाइश अल्लाह दे नबियां दे। फिर दर्जा बदरजा जिवें जिवें ईमान घटदा जांदा है ओवें ओवें आजमाइशां घटदियां जांदियां ने, जिवें जिवें ईमान कमजोर हुंदा जांदा है ओवें ओवें आजमाइशां कम हुंदियां जांदियां ने। और मेरे मालिक दानी असीं बहुत दफा घबरा जाने हैं, परेशान हो जाने हैं, ओ जी नमाजा भी असीं पढ़िए, रोजे भी असीं रखिए, भुखे प्यासे भी असी रखी रवीए, ते फिर भी पहुंचो इम्तिहान साढ़े ही आउंदे ने। और कसूरियो एक गल ज़हन च रखो, अल्लाह दा शुक्र अदा करन वास्ते ना हमेशा बंदे नू अपने तो ठां वेखना चाहिए, ता नहीं वेखना। मिसाल दे तौर ते एक बंदा मोटरसाइकल ते जा रहा है ते कोलों कार लंघी ते आंदा है कदी साडे कोल भी कार होएगी ना, कार रब ने दे छड़ी हुण आंदा ओ साडी ते माड़ी मोटी कार है आल्टो है, आ कोल पजारो वाला फिरदा ए पजारो, इन्हां दा हक ही रह गया, साडा कोई हक नहीं, कदी सानू भी मिलेगी? ते बंदा रब दा शुक्र अदा करदा नहीं। शुक्र किवें अदा करदा? आ मोटरसाइकल ते जा रहा है, कोलों साइकल वाला लंघिया ते आंदा अल्लाह तेरा शुक्र है एदे कोल साइकल है ते मेरे कोल मोटरसाइकल है,
इंज रब का शुक्र अदा हुंदा कोल आप सैकल ते जा रहा कोलो एक पैदल बंदा गुजरदा पिया आंदा अल्लाह तेरा शुक्र है ये बेचारा पैदल जा रहा है तू मैनू सवारी लई सैकल अता फरमा दीती है। आंदे ने शेख साधी ना एक दफा जा रहे सन गर्मी की शिद्दत ते पैरों जुत्ती भी कोई नहीं गर्मी बड़ी जमीन तपी है जा रहे ने ते अचानक ना एवं दिल च ख्याल आया या अल्लाह अजीब तुहाडा निजाम है जिन्ना कदी नमाज का सजदा नहीं दिता कदी मस्जिद का दरवाजा नहीं लंघ के वेख्या उन्होंने खान नू भी चंगा पीन नू चंगा रहन नू चंगा पहनन नू चंगा या अल्लाह हर शै वादू अता कर देने ते जेड़े को माड़ा मोटा सजदा दे लैंदे ने उन्हां नू पैरी पा नू जुत्ती भी नहीं अता करदा ते थोड़ा जा अगे गया ना ते एक बंदा बैठा ओदे पैरी कोई नहीं ओदे पैरी कोई नहीं ते फौरन माले कोलो माजरत कर देने अल्लाह सोने मैं माजरत खावा जुत्ती नहीं दीती पैर ते अता फरमाए नहीं ना इंज अपने मालिक नू याद रखिया करो आजमैशा आउंदियां ही आउंदियां ने और जिन्ना आजमाइश ते इम्तिहान दा दौरानियां वधदा जांदा ओना बंदा अपने अल्लाह दे करीब हुंदा जांदा क्यों दुनिया अंदर तंगी देवे ओ खास प्यार यारा काफर जालिम फासक फाजर ओ काफर जालिम फासक फाजर ओ लुट देनी मौज बहारा हजरत आदम काट बहिश्तों ते किन्ने साल रोआया वेखो हजरत नू नबी ने ते किन्ना दुख उठाया जकरिया ताई चारों ते राख आरी आयो बदे तन पाई बीमारी केड़ मुसीबत भारी किसरा कैसर रब दे दुश्मन और निरिया दौलता ते माल ते दुनिया दे कारोबार ए वेख के बंदा फैसला करे एदे कोल माल बड़ा ते रब दा बड़ा प्यारा करीबी है नहीं सहाबा दियां जिंदगियां ते नजर ते दौड़ाओ और मैनू याद आया मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रौज़ा पाक ते करोड़ा रहमता नाजल फरमाना हिरकल दे दरबार जनाबे अबू सुफियान जदो उन्हां नाल मुकालमा होया ना अजे उदो मुसलमान नहीं सन होए हिरकल दे और भी कई सवाल आ सन उन्हां चो एक सवाल ए सी ए दसो कि जेड़ा बंदा ये दावा करदा मैं अल्लाह दा रसूल हाँ उदे नाल जेड़े बंदे रलन डै ने कलमा पढ़न डै ने उदे साथी बनन डै ने ए दसो अमीर ने के गरीब ने ते अबू सुफियान ने बड़ी हकारत ना कहा सी ओ माड़े माड़े गरीब गरीब ना खान नू लभदा ना पीन नू लभदा ना रहन नू चजदा मकान लभदा ओ साडे नौकर साडे मुलाजम साडे गुलाम ते अगली गल भी उन्हें है माड़े ने कमजोर ने गरीब ने ते कदी उन्हें छड़ के कोई वापस भी आया अबू सुफियान कह लगा ऐही ते सब तो वड्डी साडी सिर पीड़ लगी है भी साडे नौकर मुलाजम ते खादम ने पर जेड़ा एक वारी ओदे नाल जुड़ जांदा है दुखां मुसीबतां आजमैशां दे पहाड़ भी डिग पैन ते दामने मुस्तफा नहीं छड़ दे
अजीब इन्हां दी कैफियत। और सारे सवाल आते बाद जेड़ा जवाब हिरकल ने दिता है वो भी नोट करने वाला है। कहन लगा जिन्ने सवाल मैं तुहाडे को कीते ने ते जिन्ने जवाब तुसां दिते ने अगर ये सही ने ते यकीनन ठीक ही होंगे। ते फिर गल सुन लो, आज जिथे मैं बैठा वा एक वक्त आएगा इत्थे भी हुकूमत मुहम्मद दे गुलामां दी होएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मेरे पाक पैगंबर अली सलाम तो वसलाम आप दे परवानियां गुलामां ने इम्तिहाना दी परवाह नहीं कीते। ओए किसरा कैसर रब दे दुश्मन मेरे पाक पैगंबर नालों वध के हस्ती ते शख्सियत और केड़ी हो सकती है। किसरा कैसर रब दे दुश्मन ओ ऐश करन मन बांदे ते साडे आका फाकियां कोलों पत्थर पेट बनांदे। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अली सलाम दा फरमान है गिरामी जिन्नू दुनिया दे अंदर अल्लाह आजमांदे ने परेशानी कोई नहीं देंदे, आजमैश कोई नहीं करदे, सारी जिंदगी सुख चैन सुकून नाल गुजरी है। इस बंदे नू कयामत दे दिन जदों वेखेगा ना उन्हां लोकां नू कि जिन्हां दे अल्लाह ने इम्तिहान कीते ते आजमैशां कीतियां ते ओदा ने ख्वाहिश करनगे काश साडियां चमड़ियां नू कैंचियां नाल कट के उतार दिता जांदा, काश साडियां चमड़ियां नूं कैंचियां नाल कट के उतार दिता जांदा। अज माड़े मोड़े दुनियावी इम्तिहानां दे बदले अल्लाह उज़ल जलाल ने कितने बड़े बड़े मर्तबे ते शाना ता फरमा दितियां ने। अगली गल एक समझण वाली है, बाज़ औकात इंसान नूं अल्लाह किसे उच्चे मर्तबे ते पहुंचाना चाहते ने, ओदे अपने अमाल इस काबल नहीं हुंदे कि ए बंदा अमाल करके उस मर्तबे ते उस दर्जे तक पहुंच जाए। फिर अल्लाह जुल जलाल इनू कोई आजमाइश पा के कोई जिस्मानी कोई औलाद वालों कोई कारोबार वालों अल्लाह ऐसा इम्तिहान करते ने आजमाइश करते ने ते फिर अल्लाह उन्हूं सबर करन दी भी तौफीक अता फरमा देंदे ने। रब ने पहुंचाना जो उच्चे मर्तबे ते उच्चा मकाम मर्तबा अल्लाह इन्हों देना चाहते ने, लेकिन एदे अमल इस काबल ने एदे अमाल इस लायक नहीं ए बंदा उत्थे पहुंच सके। हुण उस मर्तबे तक पहुंचाने वास्ते अल्लाह एदा इम्तिहान करदे ने आजमाइश करदे ने ते फिर आजमाइश विच अल्लाह सबर दी तौफीक देंदे ने। ए सबर करदा ते अल्लाह इस आजमाइश दी वजह तो अपने बंदे दा मर्तबा वधा देंदे ने। दुआ करिया करो अल्लाह दुनिया आखरत दे इम्तिहाना ते आजमाइशा तो सानू सारिया नू बचा के रखे। वाकई बाज़ औकात ऐसा हुंदा कि इंसान अपने अमाल दी वजह तो उत्थे नहीं पहुंच सकदा, अल्लाह जुल जलाल किसे आजमाइश दी वजह तो या किसे दी दुआ दी वजह तो बंदे नू उस मर्तबे ते मकाम तक पहुंचा देंदे ने। एक वाकया मैं पढ़िया बड़ा अजीबो गरीब वाकया है। एक आदमी आंदा मैं ख्वाब देखिया एक दफा दो दफा तीन दफा कई मरतबा ख्वाब देखिया और ख्वाब दे अंदर बार बार एक बंदे दा नाम लैके नामीनेट करके दसिया जा रहा, फलां बंदे नू जाके उमरा करवा दे, फलां बंदे नू जाके उमरा करवा दे। कई
مرتبہ خواب آیا میں پریشان ہویا بھئی پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے اور خواب دی حیثیت کی ہے، خواب خواب ہی ہوندا ہے۔ آندا ہے میں علماء کرام کولوں جا کے مسئلہ پوچھیا، جناب مینوں دسو انج ایندا خواب آ رہا، بلکہ ایک خواب دے اندر تے باقاعدہ مینوں دا ٹیلی فون نمبر بھی دسیا گیا، اس بندے نال رابطہ کر کے اینوں عمرہ کروا دیتا جائے۔ علماء نے مینوں مشورہ دیتا، اگر تیرے ذہن اندر کوئی ایسا نمبر ہے اور تینوں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے او دے نال رابطہ کر کے تے اونوں عمرہ کروا دے۔ آندا میں ٹرائی کیتی، نمبر مل گیا تے جس بندے نال میری گل ہو رہی ہے میں اونوں اپنا نقطہ نظر، میں اونوں اپنا مدعا بیان کیتا، جناب میں تانوں عمرہ کروانا چاہنا وا، تے او ہس کے آندا ہے اوے اسا عمرہ کر کے کی کرنا ہے، کسے نیک بندے نو کسے نمازی نو عمرہ کروا۔ میں اصرار کردا رہیا، او انکار کردا رہیا، بلاخر میرا اصرار او دے انکار تے غالب آ گیا تے مینوں کہن لگا، اچھا بھائی ہن تو کھڑے پے ہیں تے چل پھر انج کر، عمرہ میں کر لینا وا، تو ہن ان ہے تے کر لینا وا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کی ہے؟ میں پلیوں تیلا نہیں ہوں خرچ کرنا۔ تانوں پتہ ہے نا کئی لوگ ایسے ہوندے نے واندے نے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، انہیں من لینا تیری گل، چلو کروانا چاہنا ہے، میری شرط ہے کہ میں پلیوں کوئی شے نہیں ہو دنیا۔ انہوں نے کہنے لگا بھی میں جدوں خود تینوں آفر دے رہے ہیں تے کی ضرورت ہے تینوں خرچ کرن دی۔ عمرے واسطے چلے گئے، فارغ ہوئے تے واپسی دا ارادہ، نکلن لگے تے ہن اے بندہ کہن لگا، یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے موت آ جانی ہے، تے اگر مینوں اجازت دیں تے میں جاندیاں جاندیاں دو رکاتاں نہ پڑھ لاں۔ کہن لگا میں اتنا خوش ہویا، اور بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ انسان چھوٹی جی نیکی کردا ہے تے او دا دل اتنا مطمئن ہوندا ہے کہ یا اللہ زندگی چ ہور پتہ نہیں کوئی نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، میرا دل گواہی دیندا ہے اے نیکی میری اللہ دے دربار چ ضرور قبول ہو گئی ہوئے گی، دل مطمئن ہو جاندا ہے۔ آندا ہے میں بڑا ہی خوش ہویا، بڑا ہی راضی ہویا، یا اللہ تیرا شکر ہے مینو تو توفیق عطا فرمائے، میں اس بندے نو عمرہ کروایا، اللہ تو اینو نمازی بنا دیتا، اینو کعبۃ اللہ دی محبت نصیب فرما دیتی ہے۔ میں بڑا خوش ہو کے نا چاہیں چاہیں، میں پڑھو جناب ہمیں دو چھڑ کے چار پڑھو، پڑھو چلے جائیں گے کوئی گل نہیں۔ آندا ہے میں انتظار کرن لگ پیا، او نماز ادا کرن لگ پیا، پڑی سہی دے گیا تے میں انتظار کردا رہیا، ہن آوندا ہے ہن اٹھدا ہے ہن اٹھدا ہے۔ کافی انتظار دے بعد میں جا کے ویکھیا سجدے پیا تے سجدے جی جان نکل گئی، سجدے پہ آیا تے سجدے چی روح پرواز کر گئی، میں حیران ہی رہ گیا، یا اللہ اتنی عظیم موت ہے۔ لوگ ساری ساری عمر حدیث پڑھان دے نے، ساری ساری عمر قرآن پڑھان دے نے، ساری ساری عمر دین دا کم کر دے نے، دعاواں کر دے نے، سونے انج دی موت نصیب فرما دے نہیں میسر آؤندے، کڈا عظیم انسان ہے جنوں تو موت عطا فرمائیے، وہ سجدے دی حالت دی اندر قصوریوں میں تے کہا کرنا وا، سجدہ تے سجدائیے او قصور دی مسجد دا ہووے، لاہور دی مسجد دا ہووے، کاموں کی تے گجران والے دی مسجد دا ہووے، سجدہ تے سجدائیے۔ پر یار اس سجدے دی عظمت دے کیا کہنے جیڑا کعبۃ اللہ دے ویڑے دا سجدہ ہے، کعبۃ اللہ دے سہن دا سجدہ۔ بڑی خوش نصیب ہے سجدے دی حالت دے اندر اللہ ذوالجلال نے موت نصیب فرما دیتی ہے۔ میں حیران و ششدری رہ گیا، تدفین تو فارغ ہوئے میں اودے کار رابطہ کیتا، اودی اہلیہ نال میں رابطہ کر کے ایک سوال اودے کولوں کیتا، کیڑا عمل سی ایڈا وڈا، کیڑا عمل سی جیڑا
अल्लाह नू इन्ना पसंद आया ते अल्लाह ने इनू काबातुल्ला दे वेड़े दी मौत नसीब फरमा दीती है ते सजदे दी मौत अता कर दीती है। बीवी कह लगी आम एक सादा जा मुसलमान सी मैं ते जानती नहीं कोई एदा बड़ा वड्डा अमल होवे। हाँ एक अंदाजा है मैनू शायद अल्लाह नू एदा ओ अमल पसंद आ गया होए अल्लाह नू एदी ओ अदा पसंद आ गई होए एंड साडे नाल दा जेड़ा मकान है नाल दी रिहायश इस घर दे अंदर एक बेवा खातून रहिंदी है निके निके दे मासूम बच्चे यतीम ने ते जदों दा एदा खावंद फौत होया उदन तो लाके मेरे खावंद ने अपनी आदत बना लई से के जदों बाजार दे अंदर जांदा जदों सौदा सलफ लैन वास्ते जांदा जदों अपने बच्चों की खरीददारी ते शॉपिंग करन वास्ते जांदा जो अपने बच्चों वास्ते खरीददा ओह ही इन्हां बच्चों यतीमां वास्ते खरीद के लियाउंदा जो अपने बच्चों की शॉपिंग करदा ओह ही इन्हां यतीमां वास्ते शॉपिंग करके लियाउंदा और लिया के ना पहला अपने घर नहीं दाखल हुंदा बल्कि यतीमां दा दरवाजा खटखटांदा उन्हां दा समान उन्हां दे हवाले उन्हां दे सुपुरद कर दिंदा। आंदी है मैं कई दफा वेख्या जदों चाई चाई खुशी खुशी ए यतीम बच्चे अपनी अम्मी दे गले च बाहां पा के खुशी दा इजहार करदे ने ओ कसूर वाले ओ जानदे हो ना पता जे ना के मापे औलादा ना किंज दा प्यार करदे ने औलादा दियां खुशियां मापिया नूं खुश कर दिंदियां ने ते औलादा दे सदमे औलादा दे दुख जेड़े ने मापिया नूं दुखी कर देंदे ने। दुआ करिया कर किसे दी औलाद दुखी ना होवे। आंदी है मैं कई दफा इस खातून नूं वेख्या इहदे बच्चे चाई चाई खुशी खुशी जदों अपनियां चीजां लैके अपनी अम्मी दे गले च बाहां पा के खुशी दा इजहार कर दे ते ए बीबी आसमाना वल निगाहां उठा के आंदी वे मेरे यतीमां ते तरस खान वाले आ मेरे यतीमां ते रहम करन वाले आ मेरे यतीमां नूं खुशियां देन वाले आ अरशां वाले आ मेरे इस वीर दी आखरत बेहतर फरमा दे। अल्लाह मेरे इस वीर दी आखरत बेहतर फरमा दे। आंदी है मैनू इंज लगदा है उस बेवा दियां दुआवां ने अपनी रहमत नाल मालिक ने कबूल फरमा के ओनू उच्चा मरतबा ते काबे दी मौत नसीब फरमाई है। यानी बाज़ औकात ऐसा हुंदा इंसान उस मरतबे ते पहुंचना हुंदा और ते ओदे कोल अमाल इन्ने नहीं हुंदे। अल्लाह किसी इम्तिहान अंदर मुबतला करके उस मर्तबे तक पहुंचा देंदे ने। इसे वास्ते कुरान कह रहा अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलो वन्नकुम बिशैयिन मिनल खौफ वल जूए कदी असी भुख दे के आजमाने और नबी पाक दी जमात भुखियां रह के सुभान अल्लाह एक मामूली आजमाइश नहीं ना भुखिया रह के अपने महबूब का साथ दे रहे तावन कर देने वह। और एक पासे बता देना हजरत मूसा अली सलातो व सलाम दे उम्मती मन सलवे खा के ते बिलाखर नबी नू साफ साफ जवाब दे दिता फज़हब अंता व रब्बो का फकातिला इन्ना हाहुना कायदू। जनाब असी ते ऐ बैठे जे तुसी जाओ ते तुहाडा रब तुसी जा के लड़ो साडे को लड़न लड़न वाला काम नहीं हुंदा। ते मैं कुर्बान जावां जदों मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दियां वारियां आईयां हजूर दे जानसारां दियां वारियां आईयां आका जा रहे ने दुश्मन ना मुकाबला करन वास्ते आप दे सहाबा जा रहे ने ते हालत की है खान वास्ते चरगे मुर्गे बटेरे बदाम काजू ए खान वास्ते नहीं खान वास्ते सिहाबा आंदे ने फौज जा रही है
ते एक फौजी नू रोजाना दी एक खजूर खान नू मिलदी है, एक फौजी नू रोजाना एक खजूर खान वास्ते मिलदी है। खजूरां मुक गईयां, सिहाबां दे ने असी खजूरां दियां गिटकां चूस चूस के गुजारा कर रहे हैं। हालत इंज दी है ते जा किथे रहने यारे पैगंबर अली सलाम दी माइयत के आदत दे अंदर दुश्मना ने इस्लाम ना जंग करन वास्ते जा रहने और हालत की है पैरों नंगे ते पेटों भुखे, ओए पैरों नंगे ते पेटों भुखे, ऐ तन दवा ले लीरा नसदे जावन कारण जंग शरीरा भुख लगे ते पत्थर दरख्तां, भुख लगे ते पत्थर दरख्तां तोड़ शताब्दी खांदे। जिस दम सोने दा चेहरा विंदे फिर फाके याद न रहिंदे। अल्लाह फरमांदे ने मिनल खौफे, असी खौफ नाल आजमाइश करने आ, वल जोए कदी भुखियां रख के आजमाने आ, वनक सिमे नाल अमवाले कदी कारोबार विच कमी करके आजमाने आ, घाटा पा के आजमाने आ, कसूरियो पूरा महीना पूरा साल दुकान विचों बरकत ही बरकत ने, मुनाफे ही मुनाफे ने। एक दिन खुदा न खास्ता किते घाटा आ जाए ना ते रब दे गिले ना शुरू कर दिया करो। असा हो रे रब दे मां पुट्टे ने नौश बिल्ला, ये साड़ी पहुंचो कि असमैशा हुंदिया ने, साड़िया ही पहुंचो असमैशा हुंदिया ने, कारोबार तबाह होण डए ने। ना सोने अल्लाह दा शुक्र अदा करिया कर हाल हाल दे अंदर, क्योंकि रहमान दा वादा अल्लाह इन शकर तुम ला अजीदनकुम। और इथे रब्बुल आलमीन फरमांदे ने वनक सिमेनल अमवाले, मैं माल च किसे वेले कमी करके आजमाना वा, वनक सिमेनल अमवाले वल अनफोसे कदी मैं औलादा दे के आजमाना वा, कदी मैं औलादा खो के आजमाना वा, कदी मैं बच्चे दे के आजमाना वा, कदी मैं बच्चे खो के आजमाना वा। औलाद मिल जाए ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करिया कर, औलाद रब वापस बुला लै ते तद भी हर हाल अंदर अल्लाह दा शुक्रिया अदा करिया कर। की पता है कि जेड़ी औलाद अल्लाह ने तेरे कोलो वापस बुला ली है तेरे हक विच ओही अच्छा होवे, तेरे हक विच ओही बेहतर होवे। क्योंकि मैं ते इंज दे वाकयात भी सुने और जाने ने। एक दोस्त ने गल सुनाई, कहन लगा साढ़े एक जानन वाले जिन्हों के बारे सानू पता सी कि इन्हां कोल औलाद नहीं, बड़ी देर बाद अल्लाह ने उन्होंने औलाद अता फरमाई, बेटा अता किया। लंबे अरसे दे बाद मेरी मुलाकात हुई, मैं उन्होंने पूछा सुनाओ जनाब की हाल है। कहन लगा मेरा एक बेटा है ते दुआ करो मेरा बेटा मर जाए, मेरा एक बेटा है दुआ करो मर जाए। मैं हैरान रह गया, लोकी दे पुत्रां वास्ते खप जांदे ने दुआवां करवांदे जनाब, वजह? कहन लगा अल्लाह जुल जलाल कोलो मंग मंग के दुआवां कर कर के लिया, रब्बुल आलमीन ने बेटे दी नेमत अता फरमाए। ये जालिम जवान होया जानिया विच बैन लग पे है, चोरा डाकुआ नाल टुरन लग पे है, शराब खाने च जान लग पे है, बदकारी दे अड्डियां ते जान लग पे है,
कल तक जेड़े महलेदार मैनू उठ के सलामा कर दे सन, आजो मेरे ना सलाम लेना गवारा नहीं कर दे। तेरिया नमाजा की करिए, तेरे रोजिया ते हजा नू की करिए, मुंडे दिया करतूतां वेखिया नहीं। इस बात बख्त दी वजह तो मेरी इज्जत खाक अंदर मिल गई है, इस जालिम दी वजह तो मेरा वकार खाक अंदर मिल गया। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने वा नकसिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात وبشر الصابرين। اگر آزمائشاں امتحان اور پریشانیاں دے بدلے اپنے مالک دا شکریہ ادا کر دے رہو، ہر حال اندر صابر تے شاکر رہو، اللہ ذل جلال دا وعدہ تواڈے نال ہی ہے کہ رب العالمین اپنے جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ میرے بھائیو، زندگی مستعار زندگی ہے اور دکھاں سکھاں دا ایک مجموعہ زندگی ہے۔ اس زندگی اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش اللہ دی طرفوں آ جائے، اپنے مالک دی رضا سمجھ کے او دے تے راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا آخرت دونوں جہان اندر عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک۔